जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। कलश यात्रा का मतलब कैलाश की यात्रा, कलश यात्रा का मतलब कलेश मिटाने की यात्रा, कलश यात्रा का मतलब ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। कलश यात्रा की प्रत्येक यज्ञ सत्कर्म पुण्य कर्म एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान में बहुत महिमा है। कलश यात्रा का मतलब सीधा सा है शिव की यात्रा, और शिव का मतलब महादेव आदि सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना। जैसा कि आप सबको बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के बारे में, बुंदेलखंड के बक्ष स्थल पर जो विराजमान बागेश्वर धाम सिद्ध तीर्थ है, यहां पर 22 मार्च से 30 मार्च तक जो 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ एवं बुंदेलखंड का आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा, 21 मार्च को दोपहर 12 बजे बागेश्वर धाम पर संपूर्ण ग्राम में भ्रमण करते हुए सभी देवी देवताओं को, ग्राम में देवी देवताओं को आमंत्रित करते हुए कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग लगभग 1000 महिलाओं के सिर पर कलश होंगे, 100 युवा बालकों के हाथ में सनातन धर्म का ध्वज होगा। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से इस दास का आप सबको सादर आमंत्रण है, यज्ञ में आओ चले, कलश यात्रा में 21 मार्च दोपहर 12 बजे बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर कलेशों को मिटाने के लिए यज्ञ की कलश यात्रा में, कैलाश के वासी का दर्शन करने के लिए यज्ञ की कलश यात्रा में, कृष्ण मुरारी मोहन को, कान्हा को पाने के लिए बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में। जय बागेश्वर।